नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर एक आदेश निकाला है, जिससे शिक्षकों की नींद हराम हो गई है, वो तनाव में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश दिया है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों की अब शिक्षकों को जानकारी एकत्रित कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है और उनका पुनर्वास कराना है। यानी जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन्हें अब शिक्षित करने के लिए बीड़ा उठाया जाएगा। तो उसके बाद शिक्षक का जो संगठन है वो काफ़ी नाराज नज़र आ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो शिक्षकों से नहीं करवाया जाए, उसके बाद भी हर विभाग का काम शिक्षकों के ऊपर थोपा जाता है। शिक्षकों की नाराजगी के बाद अब राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जहां इसे अच्छा कदम बताया है, तो वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक और तो शिक्षकों की कमी मध्य प्रदेश में वैसे ही है, ऊपर से उनको अन्य कामों को लादा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो और कमज़ोर होगा। बीजेपी ने कहा है कि जो बच्चे भीख मांगते हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें और पढ़ाई करके अच्छा इंसान बन सकें, उसलिए ये कदम उठाया गया है। तो वही कांग्रेस इस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। बाद में शिक्षा की बारी, पहले ढूंढो भिखारी। मतलब शिक्षा के मंदिरों में शिक्षा अध्ययन कराने वाले गुरुओं को आपने भिखारियों को ढूंढने पर लगा दिया है। अरे मध्य प्रदेश के हालात इससे बद से बदतर हो चुके हैं। देश भर की बात करें तो स्थिति ये है, 80 करोड़ लोग तो सरकारी खाद्यान्न पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, जिसमें आप कहते हो कि 25,000 हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं, 22,000 भिखारी जो लिस्टेड हैं। तो फिर 140 करोड़ आबादी के देश में फिर बचा क्या है? हमें लगता है वो 22 जो आपके उद्योगपति हैं वही सब कुछ हैं। लगता है पूरा आपने बंटाधार कर दिया देश का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कम से कम आप शिक्षा का स्तर तो इतना गिर चुका है, गुरुजन पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, विद्यार्थियों की फीस आपने एक साथ जमा करने का एक फरमान जारी कर दिया, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, मध्यम परिवार के लोग एक साथ 80,000 और 1,00,000 रुपये पूरे साल की फीस जमा नहीं कर सकते। अभी क्या था, 1,000 रुपये जमा करके उनको एडमिशन मिल जाता था। तो आपने शिक्षा का स्तर गिरा दिया, जो लगातार अगर देखा जाए तो बहुत नीचे जा रहा है। और आपने शिक्षकों को लिखा दिया कि आप भिखारियों की गिनती करिए, अगर आप ठीक से नहीं कर पाए गिनती तो आप पर भी कार्रवाई होगी, भिक्षा देने वाले पर भी कार्रवाई होगी। ये कौन सा तुगल की फरमान है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो आदेश पारित हुआ है वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल चलो अभियान के तहत उनको स्कूल कैसे लाया जाए, तो ये एक अच्छी पहल है। कांग्रेस को तो हर चीज़ में नेगेटिव और नकारात्मकता के सिवा कुछ नज़र नहीं आती। अगर अच्छा काम भी हो रहा है तो उसमें भी उनको बाधाएं करना है, अड़ंगे अटकाना है। तो मैं समझती हूँ कि आज बच्चों के भविष्य के लिए, अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, शिक्षकों के पास अभी शिक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर उन बच्चों को भी विद्यालय लाकर उनको शिक्षित किया जा सकता है तो इसमें कौन सी बुराई के काम है। ये तो एक सोशल वर्क है और ये सामाजिक रूप से जुड़कर लोग यदि काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस तो हमेशा से यही चाहती है कि लोग भीख मांगे और पढ़े ना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।